Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? So गर्मी आ गई है and I thought of doing a summer glow up. You know, body care, hair care, lip care, underarms care, सब कुछ include किया है मैंने. Products जो use करें काफ़ी affordable है. बहुत सारे tips and tricks भी यहाँ पर मैंने आपके साथ share करी है. So I hope ये video आपको बहुत ज़्यादा helpful होगा. And ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से घर पर कर सकते हो. The processes are painless and very very fast. और इफेक्टिव. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे वेट कर देना. अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है nidhi.167. लेट्स बिगिन. ओके, सो स्टेप नंबर वन इज हेयर केयर. और हेयर केयर के लिए मैं सबसे पहले एक ऑयल मास्क बनाऊंगी. यू गाइज नो इट ऑलरेडी, मैं हमेशा यही करती हूँ. मेरे एक्चुअली स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है. प्रॉबेबली वेदर चेंज हो रहा है या आई डोंट नो कुछ चीज़ रिएक्ट कर रही है या कुछ भी. बट मेरे को ड्राइनेस भी फील हो रही है. बट देर इज़ नो डैंड्रफ एट सच, बट ड्राइनेस है बालों में, लाइक स्कैल्प में, और इचिंग बहुत ज़्यादा है. सो इसीलिए हम बनाएंगे फटाफट से पहले एक ऑयल मास्क. और इस ऑयल मास्क को बनाना बहुत सिंपल है. आपको एक हेयर ऑयल लेना है. आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो. मैं यहाँ पर मामा अर्थ का आलमंड ऑयल यूज कर रही हूँ बिकॉज आई लाइक दिस. इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है और काफी अच्छा ही है. और इसमें मैं मिलाऊंगी एलोवेरा जेल. अब आप चाहो तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई एलोवेरा जेल ट्यूब में है तो वो भी मिक्स कर सकते हो. मैं जो है ट्यूब वाला एलोवेरा जेल, बेसिकली मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करूंगी. और इसको आपको अच्छे से बीटअप करना है कि ऑयल एलोवेरा जेल के साथ में मिक्स हो जाए. तो एलोवेरा जेल क्या करेगा, आपके स्कैल्प को काम डाउन और सूथ डाउन करने में हेल्प करेगा, हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा. ऑयल जो है अगेन आपके स्कैल्प को क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा. सो दोनों ही चीज़ें स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी हैं. अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है इचिंग वाली एंड यू नो ड्राइनेस हो रही है बालों में, तो यू कैन टोटली यूज दिस. इसको बस आप अपने अच्छे से स्कैल्प में अप्लाई कर लो. चाहो तो हेयर लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. बट स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करके बहुत अच्छे से मसाज कर लो, जिससे कि जो आपका स्कैल्प है वो अच्छे से सूट डाउन हो जाए, काम डाउन हो जाए. एंड इसको आप रख सकते हो फॉर अराउंड 30 मिनट्स या ओवरनाइट भी रख सकते हो, हाउ एवर यू प्रिफर. मैं पर्सनली ओवरनाइट सजेस्ट करूंगी, बट मैं खुद इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि तकिया वकिया गंदा होने का डर रहता है. तो इसीलिए मैं सिर्फ 30 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए अपने बालों में ऑयल को रखती हूँ एंड देन शैम्पू और कंडीशनर, दैट्स इट. व्हाट आई समटाइम्स ऑल्सो डू इज कि हेयर ऑयलिंग करने के बाद हेड वॉश एंड देन हेयर मास्क को मैं एज अ कंडीशनर यूज कर लेती हूँ, एंड उससे मेरे बाल और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट हम मूव करेंगे फेशियल हेयर रिमूवल की तरफ. और उसके लिए मैं यूज़ करी हूँ एक फेशियल ट्रिमर. आप वैक्सिंग या फिर शेविंग जो भी करना पसंद करते हो आप वो कर सकते हो. मुझे पर्सनली ट्रिमर जो है यूज़ करना ज़्यादा पसंद है बिकॉज ए बहुत कम टाइम लगता है, बट यू गोल गोल घुमाया एंड यू आर गुड टू गो. और दूसरा कटने वगैरह का डर नहीं रहता. सो इट्स वेरी यू नो यूज़र फ्रेंडली. तो अगर आप 15-16 साल के भी हो, शेविंग करने से डर लगता है, यू कैन टोटली यूज़ दिस. काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिमर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. आई एम अ फैन ऑफ फेशियल ट्रिमर्स एंड मैं करीब 3-3.5 साल से यूज़ कर रही हूँ. आपको अच्छा खासा क्लोज शेव मिल जाता है. येस, आपको 3 दिन में दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, बट इतना कम टाइम लगता है ना, तो आप कर सकते हो. नेक्स्ट बॉडी वैक्सिंग नहीं, बॉडी हेयर रिमूवल के लिए भी मैं शेविंग ही करूँगी. एंड सबसे पहले मैं अपने हाथों को गीला कर लूँगी, देन थोड़ा सा फेस वॉश लूँगी. आप चाहो तो बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हो. द ऑब्जेक्टिव इज़ कि आपको एक यू नो स्मूथ सर्फेस चाहिए अपना रेजर चलाने के लिए. मैं पहले अच्छे से अपने हाथों पर अपना फेस वॉश अप्लाई करूंगी, मल लूंगी. उससे क्या होगा, रूट्स भी सॉफ्ट हो जाती हैं, आपका जो टॉप लेवल है वो भी अच्छे से क्लेंज हो जाता है, एंड आपको एक स्मूथ सरफेस मिल जाता है अपने रेजर को चलाने के लिए. कभी भी सूखे हाथों पर या सूखी बॉडी पर रेजर ना यूज करें. आप कट सकते हो, आपके रैशेस पड़ सकते हैं. सो बहुत कुछ हो सकता है. जो हेयर रिमूवल प्रोसेस है ये हमेशा आपके हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर आप सेम डायरेक्शन में चलाओगे तो आपको क्लोज शेव नहीं मिलेगी. सो जो भी आपका हेयर ग्रोथ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अपना रेजर चलाना है एंड आपका हेयर रिमूव हो जाएगा. आई थिंक जब से मैंने हेयर शेविंग यूज लाइक बॉडी शेविंग डिस्कवर किया, मैंने वैक्सिंग नहीं कराई है. एंड आई कैन प्राउडली से इट्स लाइक 3-4 ईयर्स नाउ, क्योंकि मैं पर्सनली पेन नहीं झेल सकती टू लुक गुड, एंड शेविंग इज़ जस्ट माई थिंग. सो एक बार जब
छू के मैंने देख लिया कि हाँ कोई बाल नहीं है, तो आई विल जस्ट वॉश ऑफ एवरीथिंग एंड वी आर गुड टू गो. मैंने लेग्स भी शेव करे थे बट वो मैंने शावर में करे थे तो मैंने शूट नहीं किया. बट येस, आई जस्ट शेव माई इंटायर बॉडी, जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है मैं सब जगह शेविंग ही करती हूँ. सो वंस आई एम डन विद माई हैंड्स, हम मूव करेंगे अंडर आर्म्स की तरफ एंड मैं सेम प्रोसेस यूज़ करती हूँ. सो आई विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेस वॉश या बॉडी वॉश और उसको मैं अपने अंडर आर्म्स पर लगा लूँगी. नाउ अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो किए हुए होते हैं, तो आपको जिस डायरेक्शन में बाल दिख रहा है उसके ऑपोजिट में आपको बस चलाना है. मैं अगेन अंडर आर्म्स भी मैं करीब 3-4 साल से कर रही हूँ एंड एज यू कैन सी इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स. मेरे अंडर आर्म्स उतने ज़्यादा ब्लैक नहीं हैं, लाइक दे आर डिसेंट. एंड यूजुअली मैं क्या करती हूँ, वैक्स करने के बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ. वैक्स कह रही हूँ, शेव करने के बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ अंडर आर्म्स में, क्योंकि जब ग्रोथ होती है ना तो फिर इचिंग होती है. सो उस टाइम पे मैं अच्छे से मतलब 3-4 दिन, नेक्स्ट 3-4 डेज आई अप्लाई गुड मॉइस्चराइज़र अपने अंडर आर्म्स पे. एंड जब हेयर रिमूव हो जाता है तो छू के ज़रूर देख लेना कि कहीं पर कोई रह तो नहीं गया है हेयर, एंड देन वॉश इट ऑफ. एंड वेरी ईजी टू डू, एवरी वीक आप कर सकते हो. ऑल राइट यू गाइज, नहा धोकर के मैं आ गई, मैंने बाल भी धो लिए थे. सो आफ्टर शेविंग ऑलमोस्ट हो गया था, आधा घंटा पैर वैर मैंने करे अपने एंड देन आई टुक द शावर. आई फील मच बेटर, हाउएवर इचिंग अभी थोड़ी सी हो रही है अभी भी, बट आई जस्ट होप कि मैं कंटिन्यूसली ये सब करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आई माइट प्रॉबेबली सी ए डर्माटोलॉजिस्ट. अभी मैं स्किन केयर करने जा रही हूँ, फेस वॉश मैंने नहाते वक्त कर लिया था एंड सबसे पहले आई विल अप्लाई ए सीरम. सो मैं ये मामा अर्थ का रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस सीरम यूज़ करूँगी. दिस हैज़ अश्वगंधा एंड टर्मरिक इन इट एंड जस्ट लुक एट हाउ क्यूट द बॉटल इज, आई लव्ड द पैकेजिंग. इसको मैं अभी आई थिंक एक हफ्ते से ही यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव बिन लविंग इट. इट्स सो गुड, इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. ये वाटर बेस्ड फार्मूला है तो फटाफट से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, और क्योंकि वाटर बेस्ड है तो सारे स्किन टाइप्स के लिए ये परफेक्ट है, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, एनी बडी कैन यूज दिस. ऑल्सो आई गेट अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स आस्किंग मी कि कितने एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं. सो एनी बडी हु इज अबव 15 ईयर्स ऑफ एज कैन यूज दिस एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट दीज आर लाइक इट इज अवेलेबल इन 4 different variants एंड दे आर ऑल फ्रेगरेंस फ्री, लाइक कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है. सो एनी बडी हु डजेंट लाइक फ्रेगरेंस और लाइक फ्रेगरेंस, सब लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, बिकॉज फ्रेग्रेंस है ही नहीं. सो एज आई मेंशन्ड ये 4 variants में अवेलेबल है. तो सबसे पहले है लीव्स ऑफ क्लैरिटी, इसमें जो है नीम एंड सैलिसिलिक एसिड है. सो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है आप ये वाला ट्राई कर सकते हो. देन वी हैव फ्लावर्स ऑफ यूथ एसेंस सीरम, इसमें हेलोरॉनिक एसिड एंड हिबिस्कस है. दिस इज ग्रेट इफ यू हैव ड्राई स्किन, क्योंकि हेलोरॉनिक एसिड यू नो आपके स्किन को हाइड्रेट करने में लाइक वाटर को रिटेन करने में हेल्प करेगा. देन वी हैव गार्डन ऑफ ग्लो एसेंस सीरम, दिस हैज विटामिन सी एंड पैशन फ्रूट. दिस इज ग्रेट फॉर यू नो स्किन पे ग्लो लाने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए. एंड लास्ट जो कि मैं यूज कर रही हूँ इज रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस सीरम, इसमें अश्वगंधा है एंड इट ऑल्सो हैज टर्मरिक. अश्वगंधा ना एक बहुत ही पावरफुल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा एंड आपकी स्किन को ये ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करता है. एंड जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है इसमें वो है टर्मरिक. टर्मरिक एक्चुअली आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. टर्मरिक जो है एंटीसेप्टिक भी होता है, तो एक्ने प्रोन अगर आपकी स्किन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो एंड ये आपकी स्किन के नेचुरल कलर को वापस लेकर आने में हेल्प करेगा. सो आई लव द टेक्सचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एकदम वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है एंड ये झट से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, लाइक बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा. मैंने थोड़ा सा अपने हाथों पर लिया है एंड आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन माई फेस. दिस क्यूट लिटिल बॉटल रिटेल्स फॉर 599 रुपीज़, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो विच इज़ निधि 2022, तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट. और जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका ऑर्डर जो है वो रियल के प्लांट या ट्री के साथ में लिंक कर दिया जाएगा एंड मामा अर्थ इज एक्चुअली प्लानिंग टू प्लांट 1 million trees till 2025, which is great. You can also place this order from their app or their website, जैसा भी आपको ठीक लगे. आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. सो वंस द सीरम इज डन, मैं अप्लाई करूंगी अंडर आई क्रीम. थोड़ा सा ऊप्स बच गई आंख. हमेशा अपनी अंडर आई क्रीम अपनी फिंगर पे लेकर लगाना, डायरेक्टली मत लगाना. मुझे ये काफी पसंद है, ये मामा अर्थ की विटामिन सी अंडर आई क्रीम है. दिस इज रियली नाइस. आई ऑलवेज फील कि जब भी मैं इसको यूज करती हूँ मेरे डार्क सर्कल्स 1-2 दिन में ना हल्के हो जाते हैं. ओके, बाय द वे दिस पार्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. एंड लास्ट में अप्लाई कर लूंगी मामा अर्थ की बाय बाय पोर्स क्रीम. दिस इज ऑल्सो प्रिटी लाइट वेट एंड इसीलिए मुझे पसंद है अप्लाई करना.
a little bit of fragrance. शेव किया तो डायरेक्टली अंडर आर्म्स मत लगाना, बड़ा चिन में आता है. बाल मेरे अभी गीले हैं तो मैं फटाफट से सीरम और लगा लूंगी. तो समर्स हैं तो आप जो बॉडी लोशन अगर अपने लिए चूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें भी SPF हो, क्योंकि जैसे हम फेस पे SPF लगाते हैं, आप नहीं चाहोगे कि आपके हाथ गर्दन वगैरह भी यू नो सन एक्सपोजर से ख़राब ना हो. सो मेक श्योर कि आप बॉडी लोशन में भी SPF लो. एंड जब भी आप बॉडी लोशन लगा रहे हो, अपने जो फोल्ड्स होते हैं ना, नी एरिया होता है, कोहनी का एरिया होता है, तो वहाँ पर अच्छे से उसको अप्लाई करो, बिकॉज उससे क्या होता है, स्किन अच्छे से सॉफ्ट रहती है वहाँ पर एंड काली वगैरह नहीं पड़ती है. बिकॉज आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट कि हमारे कोहनी जो है बहुत काली, हम क्या करें. सो दो चीज़ें हैं, एक तो कोहनी को स्क्रब अच्छे से करना है, लाइक वो जो एड़ी घिसने वाला नहीं होता उससे अच्छे से साफ करनी है गीला करके, एंड दूसरा बॉडी लोशन अच्छे से लगाना है जिससे कि वहाँ की स्किन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट बनी रहे और काली ना पड़े. नेक्स्ट अब आ रही है लिप्स की. नाउ समर्स भी हैं बट लिप्स आई थिंक अब तो 12 महीने चैप होते रहते हैं. सो मैं सबसे पहले लिप स्क्रब करूँगी. ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस वन इज़ फ्रॉम मामाअर्थ, बट आप जो आपके पास जो कोई भी हो तो आप यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट आप शुगर और घी या शुगर और बटर मिक्स करके भी एज अ लिप स्क्रब यूज़ कर सकते हो, वो भी बढ़िया काम करता है. द ऑब्जेक्टिव इज़ कि जो डेड स्किन है वो आप अच्छे से स्क्रब ऑफ कर दो. एंड एक बार मैंने स्क्रब करा, उसके बाद गीले कपड़े से वाइप ऑफ कर लो या फिर आप पानी से साफ कर लो, एंड देन गो हेड एंड अप्लाई सम लिप बाम. ये जो मामाअर्थ का डुओ है, इसमें आपको स्क्रब और बाम एक साथ मिलता है, सो यू डोंट हैव टू लुक फॉर योर बाम सेपरेटली. बट या आप चाहो तो DIY लिप स्क्रब एंड देन कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो, जस्ट टू सूट डाउन योर लिप्स, क्योंकि जब आप स्क्रब करते हो तो थोड़ा सा इरीटेट हो जाते हैं स्किन. सो उसको सूट डाउन करने के लिए आप लिप बाम लगाइए एंड यू आर गुड टू गो. समर्स आ गई हैं तो अब ऑब्वियसली शूज़ तो कम ही पहनेंगे हम, चप्पलें ज़्यादा पहनेंगे, तो अब पैर दिखते हैं. एंड आई फील कि नेल पेंट लगा लेने से पैर जो है नेक्स्ट लेवल ग्लो करने लग जाते हैं. सो मैंने ऐसे एज सच पेडिक्योर नहीं किया बिकॉज माय एड़ियाँ ठीक ठाक काम कर रही थी, फटी हुई नहीं थी. बट अगर फटी हुई होती तो फिर मैं अपना पेडिक्योर भी प्रॉपरली करती, अपनी एड़ियों को अच्छे से घिस लेती. बट नेल पेंट आई मेक श्योर समर टाइम में स्पेशली मैं लगाऊं, क्योंकि पैर दिखते हैं चप्पलों में. एंड यू नो जब आप नेल पेंट लगाते हो ना तो एकदम से पैर बड़ा चमकने लग जाते हैं, बड़े अच्छे से शाइन करने लग जाते हैं. आई डोंट नो जस्ट मी और सबको ऐसा लगता है, बट यू कैन क्लियरली सी मेरे पैर विदाउट नेल पेंट एंड विद नेल पेंट, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है. सो मैं फटाफट दोनों ही पैरों पे अपने नेल पेंट लगा लूँगी. यूजुअली जो नेल पेंट मैं चूज़ करती हूँ वो वाइन कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है या पेस्टल कलर्स होते हैं. आज मैंने सोचा रेड लगा के देखती हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई नेवर डू एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट. थोड़ा अनइवन लगी है, बट वो एक दो दिन में जब वॉश ऑफ होगा ना तो सारा इवननेस हो जाएगा. फिलहाल आई लव द रिजल्ट. So that was all for my summer glow up. I hope you guys enjoyed it. I hope ye video helpful raha hoga aapke liye. Agar acha laga hai to make sure to like, comment, share and subscribe. And I will see you guys next time. Till then, take care. Bye.